हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीके म्यूजिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफिक से होंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल एमडीके म्यूजिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूले, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इसी तरह हमारी वीडियोज को देखकर म्यूजिक के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो गाइज, आज हम बड़ा ही खूबसूरत रिक्वेस्टिंग सॉन्ग अपने हारमोनियम पर सीखेंगे प्ले करना, जिसकी फरमाइश हमारे एक सब्सक्राइबर है मोहतरम अरशद मामू साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने हमें मेहदी हसन खान साहब के एक खूबसूरत गीत की फरमाइश की है। फिल्म जरका से लिया गया ये गीत, जिसको उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है वो हुस्न बख्शा है। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत पोइट्री जनाब हबीब जालिब साहब का लिखा हुआ एक इनकलाबी नज़म है, जिसको मेहदी हसन खान साहब ने गाया और जरका फिल्म में इसको फिल्माया गया, जिसके बोल हैं, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तू के नावाकिफ आदाब गुलामी है अभी। तो आज इस खूबसूरत पोइट्री को, जिसको हबीब जालिब साहब ने लिखा और गाया है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने, और फिल्म है जरका और फरमाइश है मोहतरम जनाब अरशद मामू साहब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए गाइज, सीखते हैं इस खूबसूरत गीत को अपने हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर या फिर अपने मोबाइल पियानो पर प्ले करना। और स्केल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सिखाऊंगा पहली काली को सा मानकर, सी शार्प माइनर स्केल हमारा रहेगा, ठीक है, इसको सा मानकर चलेंगे। और अगर राग की बात करूं तो राग इसका भैरवी है, और राग भैरवी में आपको पता है चारों के चारों कोमल सुर लगाए जाते हैं। यहाँ से हम फिर भी एक दफा राग भैरवी के नोटेशंस देख लेते हैं कि कौन सी कीज जो है उनको फॉलो करके राग भैरवी के आरो अवरो के नोटेशंस को प्ले किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राग भैरवी के आरो अवरो। राग भैरवी के नोटेशंस, और इन्हीं सुरों के अंदर रहते हुए हम आज के इस खूबसूरत गीत को अपने हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर या फिर अपने मोबाइल पियानो पर प्ले करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं इसके स्थाई की तरफ। पहले मैं आपको गा के बताता हूँ, फिर सोलो सिखाऊंगा कि आप इसको अपने हारमोनियम पर कैसे प्ले कर सकते हैं। ये थे हमारे खूबसूरत अस्थाई का पोर्शन, जिसको हमने अपनी हारमोनियम पर अभी भी सुना। तो अब सीखते हैं कि कैसे इसको आप भी अपने हारमोनियम पर बजा के एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पंचम है, यहाँ से हम अपने अस्थाई का आगाज करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये पंचम यहाँ से आगाज होगा। रक्ष जंजीर पहन, रक्ष जंजीर पहन, दोबारा देखें, रक्स जन जन जन, रक्स जन पाधा पमगा, पाधा पमगा, रक्स जन
जीर पे जीर पे नोटेशंस माधा पमगारे सानी माधा पमगारे सानी रक्ष जन पाधा पमगा जीर पह जीर जन जीर जन 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 जीर इसके नोटेशंस देखे जंजीर लफ्ज जंजीर के पमगा माधवा जंजीर पमगा माधवा जंजीर मगारे सानी मगारे सानी जंजीर में कर भी किया सा सा सारे कर भी किया जाता है सानी सा कर भी किया जाता है सा सा सारे सारे जाता है। तो ये था स्थाई का पहला बोल जिसके नोटेशंस भी मैंने आपको बताया कि क्या है, आप इसको अपने जो है स्केल पर भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सासानी तू के ना बाकी फे तू के ना बाकी फे बाकी फे वाह यहां से शुरू करेंगे पासा सासानी निगारेगा सासा निगारेगा सासा निगारेगा सासा पासा सासा नी निगारेगा सासा आदाब गुलामी है अभी आदाब गुलामी है अभी निशा निधाधा निधा निग्रेसा दोबारा निशा निधाधा निधा निरेसा पासा सासा नी निगारेगा सा तू के ना वाकी फे फिर आदाब गुलामी है अभी निशा निधाधा निधानी रेसा कर भी किया जाता है रक्ष जंजीर कर भी किया जाता है। तो गाइस ये था हमारा अस्थाई का पोर्शन जिसको हमने अपने हारमोनियम पर प्ले करना सीखा। बढ़ते हैं इसके अंतरे की तरफ। अंतरा इसका हम जो है वो सांस से उठाएंगे। देखिए कैसे, पहले गा के बताता हूँ फिर स्लोली सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आज का दिल ये मर्ज़ी है
ये सरकश लड़के सरे मरतल जिसे कैसे इसको अपने हारमोनियम पर प्ले किया जा सकता है। यहां से आज का दिल, आज का दिल, इसका नोटेशन सारे सानी गारे, सारे सानी गारे, आज का देखें, आस्ते से देखें कि ये मर्जी है। क्या बने गामा पा धा पा मा पा मा गा मा पा धा पा मा गा रे सा नी सा। दोबारा कि ये मर्जी है। जल्दी से देखें गा पा मा, सॉरी गा मा पा धा पा मा पा मा गा, फिर ये जल्दी से है मा पा धा पा मा मा पा धा पा मा मा पा धा पा मा गा रे सा नी सा, मा पा धा पा मा पा धा पा मा गा रे सा नी सा, मा पा धा पा मा मा पा धा पा मा गा रे सा नी सा नी सा। सरकश लड़के इसके नोटेशन देखें, ये सरकश लड़के इसके नोटेशन सासा नी नी दा 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 सासा नी नी दा दा पा पा मा सासा नी नी दा दा पा पा मा, ये सरकश लड़के सासा नी नी दा दा पा पा मा। ये सरकश लड़के, ठीक है,
ये सरकश लड़के आज सरकश लड़के। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद सरे मतल ऐसे कोड़ो, दोनों बोल सेम है, सरे मतल दादा पापा मामा ऐसे कोड़ो, दादा पापा मामा सरे मत इसे कोड़ो, फिर से नचाया जाए सरे मत इसे कोड़ो से नचाया सरे मत दादा पापा मामा इसे कोड़ो, दादा पापा मामा से नचाया जाए से नचा से नचा मापा मगा से नचा मापा मगा से नचाया जाए, देखें से नचा मापा मगा से नचाया इसको देखें दोबारा से नचाया जाए मा पा मा गा पा मा दा पा नी धा सा नी सा सा, फिर इस तरह जुल्म को इस तरह सारे सानी गारे गा सा गारे गा सा, इस तरह जुल्म को सारे सानी गारे गा सा नजराना दिया जाता है, इसको देखें नजराना दिया नजराना दिया नजराना दिया नजराना नजराना दिया, इतना देखें सारे गारे सानी नजराना दिया सारे गारे सानी था हमारा आज का खूबसूरत वीडियो जो कि हमने अरशद मामू साहब की फरमाइश पे आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।